What's up guys? स्वाद आ गया. सरफराज एंड पंत ने पलटा मैच. रोहित विराट रिएक्शन ऑन सरफराज की सेंचुरी. भाई साहब 150 रन बनाए हैं सरफराज ने, तारीफ जरूर हो जानी चाहिए. और पंत भाई दुख हुआ 99 पे जब वो बंदा आउट हुआ. दोनों ने बहुत बढ़िया खेला. हाँ. तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया यहां से जीत जाएगी? मैं जरूर बताना, और आप कहां से देख रहे हो ये भी बताना. करते वीडियो एंजॉय. 1 2 3 गो. मेरा दिल भी कितना पागल है. क्या बात है, क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो. आज का सबसे बड़ा जोक बताऊं, ऋषभ पंत कह रहा है सरफराज को, भाई रिस्क नहीं लेना, आराम से खेलना है. और खुद दो दो छक्के मार रहा भाई एक ही ओवर में रिजाज पटेल के. उधर टॉम लैथम कह रहा है, मैं कहां हूं तेरी सासू माँ के घर में, हे करके अंदर न जाऊं, आ बाहर से कुटाई लगाऊं, जो कहे मैं वो करके बताऊं. गजनी की औलाद 46 औलाद नहीं करना था, मैंने चेतावनी दी थी तेरे को टॉम लैथम. कुछ भी करने का था सिंघम, लेकिन जयकांत सिकरे बाबू का ईगो हर्ट नहीं करने का था. इस डायलॉग में कवि कहना चाहते हैं कि जयकांत सिकरे रोहित शर्मा है. इस टेस्ट मैच का पहला दिन, यानी कि खेला होने वाला दूसरा दिन, समझ जाओ यार, पहले दिन बारिश थी. रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता है, मेरे दिल पे चोट लगी है, मैं काफी हर्ट हुआ हूँ. और मैंने उस दिन रात को आके बोला था, ऑस्ट्रेलिया को भी कहा था, 36 ऑल आउट के बाद उनको मिट्टी में मिला दिया था. भाई मिला दिया था कि नहीं मिला दिया था, उसी सीरीज में मिला दिया था. मैंने उस दिन शाम को बोला था, 46 ऑल आउट होने के बाद न्यूजीलैंडियों को मिट्टी में मिला देंगे इसी टेस्ट मैच की, और अगली मैच तक जाएंगे नहीं, सीरीज का हिसाब तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इस मैच का हिसाब इसी मैच में कर देंगे. बात सरफराज खान की ये पारी कितनी बड़ी है, एक छोटे से इंसिडेंट को मेंशन करता हूं और आपको पता लग जाएगा इस पारी की इंपॉर्टेंस क्या है. अभी जब लंच टाइम हुआ, बेसिकली लंच तो अब हुआ है, लेकिन जब खेला रुका बारिश के कारण, तो सरफराज जा रहा था बाहर ड्रेसिंग रूम की तरफ, ऋषभ पंत उसके पीछे चल रहा था, उसकी पीठ थपथपाई और ऋषभ ने कहा कि भाई तू आगे चल. चलो वो आगे चल पड़ा. बाउंड्री लाइन पे भाई लोगों, आप लोगों ने देखा होगा, सरफराज खान के राइट साइड में था डैरिल मिचेल और लेफ्ट साइड में खड़ा था टीम साउदी. दोनों ने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी, वो दोनों के दोनों इंतजार कर रहे थे सरफराज का, और दोनों तालियां मार रहे थे. बढ़िया खेला टीम सऊदी भी और उधर से डैरिल मिचेल भी, और पूरी की पूरी क्राउड ने खड़े होके भाई, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन तो जाहिर सी बात बनती थी यार. और कमाल की पारी खेली भाई. ये बारिश हो गई है, चलो थोड़ी बहुत देर में रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. अगर बारिश नहीं होती, अगर ये पूरा सेशन खेला जाता, तो इंडिया इसी सेशन में लीड ले चुकी होती, बट अभी भी पीछे नहीं है ज्यादा, सिर्फ 12 रन पीछे रह गई है. 1:15 या 20 मिनट तक का हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है? एक बारी तालियां हो जाएं इसी चीज पे. सबसे पहले तो वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये दो चीजें तुमने करनी है, बाकी इधर वाला काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरा काम फिर भी छोटा है, तुम लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है. अब मेरे को एक चीज बताओ जरा सारे भाई लोग, मैच के ऊपर मैं आता हूं. जिस दिन हम 46 ऑल आउट हुए थे, यानी कि उस दिन थी 17 अक्टूबर, खेल टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, वैसे प्ले का वो पहला ही दिन था. 46 ऑल आउट होने के बाद मैंने एक चीज कही थी रात को आके 9:30 बजे के लाइव में. मैंने ये कहा था कि यार, क्योंकि यहाँ ना एक ही चीज चल रही थी कि भैया टेस्ट मैच कैसे बचाना है, टेस्ट मैच के लिए बचाने के लिए 5 सेशन खेलने हैं. और मैं एक जिद पे अड़ा हुआ था कि यार 134 रन की उन्होंने लीड ले ली थी उस दिन, और मैं इस जिद पे अड़ा हुआ था कि इनको 250 तक रोकना है, हमें 4 सेशन कम से कम खेलने हैं. हुआ क्या, अल्टीमेटली उन्होंने 350 कर दिया, 356 कर दिया ऊपर, तो फिर 4 सेशन बढ़ के हो गया 5 सेशन मेरे हिसाब से. और मैंने 5 सेशन भी इसलिए नहीं कहा था कि हमें टेस्ट मैच बचाना है, नहीं, टेस्ट मैच बचाने के लिए ना अगर रोहित शर्मा को उतरना होता ना, तो वो बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच में उतर चुका होता टेस्ट मैच बचाने के लिए, कि यार एक काम करते हैं अपना 50-60 करते हैं, बाकी लड़कों को भी बोलता हूं भाई अपना अपना करो, निकलो, क्या दिक्कत है, क्या रखा है इसमें, कोई नहीं रखा, नहीं होगा ना यार, 3 ओवर में 51 कौन करता है, 30-35 ओवरों में ऐसे कौन करता है, 250-250 रन कौन मारता, समझ रहे हो? तो ये उसी दिन उसने बता दिया था. ये टेस्ट मैच भी भाई इंडिया जो है वो जीतने के लिए ही उतरी है 46 ऑल आउट के बाद. तुम्हें कभी रिमाइंड, कभी याद आता है 46 ऑल आउट होने के बाद एक टीम, या ये कह लो 50 से नीचे ऑल आउट हो जाती है एक टीम, फिर वो सामने वाली टीम 80-90 ऑल आउट नहीं होती है भाई, वो सामने वाली टीम कर जाती है 400 रन. 46 ऑल आउट, सामने वाली टीम 400 पार, लीड हो जाती है 350 पार, और वो टीम आज जीतने की पोजीशन में खड़ी है, या ये कह लो बराबरी तो खड़ी, बराबर तो आके खड़े हो गए ना हम लोग. अभी इंडिया के पास 7 विकेट हाथ में है, तकरीबन 5 सेशन का खेल बचा हुआ है.
मैं मान के चलता हूं यार कि चलो एक सेशन बारिश की वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। अब इंडिया के पास एक लग्जरी है, विकेट हाथ में है, ऋषभ पंत खेल रहा है 53 रनों पर, लाजवाब पारी खेली भाई। ये इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था भाई, था कि नहीं था? ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था, अगर यहां ये विकेट आ जाता ना, और मुझे नहीं पता इनका विकेट कीपर कौन सा भांग धतूरा खा के खड़ा था, उसने देखा ही नहीं। हमारे बैट्समैन ने तो जो गलती करी वो करी भाई, ऋषभ पंत जो है वो बॉल की तरफ देख रहा था, सरफराज ने ऑलरेडी 2 का कॉल कर दिया था, फिर उसके बाद सरफराज उछलता हुआ मना करा, वो बड़ा फनी मोमेंट था, लोग उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, वो जावेद मियांदाद जो उछला था ना एक बारी, उससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ऐसा ही था। खैर वो तो खैर विकेट कीपर था पीछे, वो तो स्ट्राइक पे था जावेद मियांदाद, तब भी नहीं, तब नहीं उछला था, हाँ उछला था, वो स्ट्राइक पे था शायद, या पता नहीं स्ट्राइक रेंट पे, तो वो उसके साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं। ये टर्निंग पॉइंट था, अगर यहाँ विकेट आ जाता ना, फिर थोड़ा ये रन रेट भी स्लो हो जाती, फिर एक ही तरफ से रन आते, क्योंकि राहुल ने थोड़ा टाइम लेना था। लेकिन अब देखो ये मैच कितना सही तरीके से सेटअप हो गया है। हमें पता है कल रात को हम आए थे और हमने बात करी थी कि पहला सेशन इस बात को मतलब वो करेगा भाई, डिसाइड करेगा कि हमें लंच के बाद या टी के बाद हमें किस पेस से जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया 150 रन का टारगेट, 200, नहीं भाई 200 से नीचे तो नहीं, 200 से ऊपर का ही टारगेट देना है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे 125 पे सरफराज है, उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 81 का है, 90 के स्ट्राइक रेट से उसने शतक पूरा किया भाई, 110 बॉल में शतक पूरा कर दिया था, और ऋषभ पंत खेल रहा 94 के स्ट्राइक रेट से, और ऋषभ पंत ने पता क्या कहा है, भाई रिस्क नहीं लेना, आराम से खेल भाई, रिस्क कुछ नहीं रखा भाई, रिस्क में। ये ऐसा ही है कि सामने वाला आदमी जाके उसको कूट पीट आया और घर पे आके कह रहा देखिए शांति से ही चलता है काम, सब शांति प्रिय तरीके से हो रहा है। ये कुछ ऐसा था भाई ऋषभ पंत की तरफ से। और वो जो रनआउट था, वो जो रनआउट का चांस क्रिएट हुआ था, वो रोहित शर्मा तो अपनी चेयर से खड़ा होके पूरा पूरा गोल घूम गया, कह रहा भाई यार मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, एक तो भैंस की आंख, तुम रनआउट होने की कोशिश कर रहे हो, उधर से मैं यूं करके देखता हूं मेरा राहुलिया इधर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, मेरा दोहरा दिल बैठा जा रहा है, भाई आराम से खेल लो। फिर उसके बाद सेंचुरी पूरी करता है सरफराज, और जो उसने सेलिब्रेशन की है, एक ये वाला रिएक्शन आया था, चेक किया देखा, ये वाला ऐसे करके, भाई उस पे तो कंट्रोल खो बैठे दोनों, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी, उस पे हंसी कंट्रोल नहीं हुई भाई। और जो ये सरफराज थोड़ी थोड़ी वो जेस्चर करता है ना, जैसे बॉल पड़ के थोड़ा ऊपर उठ गया तो ग्लव्स पे लग गई, तो वो ना बॉल हो गई खत्म हो गई, फिर उसके बाद कैमरा क्या है ना, फोकस उसी पे रहता है बैट्समैन पे, वो ऐसे से कर रहा था यूं करके कि बॉल भाई पड़ के थोड़ा ऊपर आ रहा है, उस चीज का भी मजाक उड़ा रहे थे बाहर बैठ के, कहते हैं देख 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 कैसे कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं करके बता रहा है बॉल उठ रही है। तो वो छोटी छोटी, मेरे को मैं सही बता रहा हूँ, रोहित शर्मा ने ना, मैं सबसे पहले यार रोहित शर्मा के लिए भाई तालियां वालियां बजाओ यार तुम, यार मतलब उस बंदे ने ना, छोड़ो यार इस टेस्ट मैच का क्या होगा क्या नहीं, वो अभी बात करते हैं 2 मिनट के बाद, लेकिन यार रोहित शर्मा को आके मैं अब समझ रहे हो तुम, रोहित शर्मा को आके रोहित शर्मा को आके ये कहने की क्या जरूरत थी कि भाई मेरे से गलती हो गई। भाई आज मैच सेटअप हो गया, लोग एंड रिजल्ट देखते हैं ना, उस बंदे का बड़प्पन था भाई उस दिन, वो इसी वजह से आया था कि मेरी टीम को क्रिटिसाइज मत करना, मेरे डिसीजन से डूबी है मेरी टीम, 46 ऑल आउट मेरे डिसीजन से हुई है, हालांकि देखो सामने वाला कप्तान भी तुम्हें बॉलिंग बैटिंग दे सकता था, बट फिर भी यार उस बंदे ने ना बड़ा मतलब मर्दों वाला डिसीजन, उसने मर्दों वाला काम करके बताया भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं भाई मैच पे, कोई इज्जत नहीं करी भाई किसी ने, कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, और ये जो सरफराज ने भाई ये जो अपना थर्ड मैन की दिशा में जितने भी रन बनाए हैं ना, इसने ये वाला वी बना रखा है, जो रूट को हमने देखा हुआ है इंग्लैंड में खेलते हुए, वो बहुत नजदीक बॉल को आने देता है, यूं पुचक करके ले लेता है, ठीक है, वो ये वाला एरिया ही रहता है उसका, इतने रन बनाता है इस एरिया में वो कि कई बार हमें लगता है ओपोजिशन टीम होने के नाते कि यार यहां इसको पूरा का पूरा यहां खड़ा, मतलब पूरी दीवार खड़ी कर दो। बहुत अच्छा खेला है, ब्रिलियंट खेला भाई वो बंदा, और जिस तरीके से, हालांकि सेंचुरी के बाद वो थोड़ा सा मुझे लगा कि डिफेंसिव हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया, पर बाद में पता लगा उसने ऋषभ पंत को कहा कि भाई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, बॉल दिख नहीं रही है अच्छे से, क्योंकि बारिश आ गई, जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा डार्क हो रहा था। उसने एम्पायर को भी कहा कि भाई ये थोड़ा चेक कर लो, मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को बॉल नहीं दिख रही अच्छे से, लाइट मीटर में चेक करने के लिए भी शायद से कहा था, वो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन हाँ वो ओवरकास्ट कंडीशन हुई थी, फिर बारिश भी आ गई थी। और मेरे से पूछते हो तो पारी बहुत शानदार सरफराज के लिए, और भाई मेरे से पूछोगे ना तो सरफराज वो खिलाड़ी है जो डोमेस्टिक में इतना पक चुका है खेल खेल के कि आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ड्रॉप क्या रेस्ट भी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि नहीं शुभमन गिल आ गया तो हम इसको बाहर बैठाते, वो ऐसा खिलाड़ी उसको आपको टीम में खिलाना ही पड़ेगा। वो इतना ईजी रन बनाता है ना, मतलब कोई भी सिचुएशन वो
थर्ड मैन की तरफ हो, किसी भी तरीके से स्वीप मारने हो, गोडा टेक टेक के शॉट खेलने, वो बहुत बढ़िया खेलता है और मजा आता है उसकी बैटिंग देखने में। और ये आज के टेस्ट क्रिकेट में यही इंटेंट चाहिए। हाँ। वो ये, और जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर उस टाइम तो वो जडेजा भी आउट हो चुका है, केएल राहुल भी आउट हो चुका है, सरफराज भी आउट हो चुका है, अब इस टाइम खेल रहे हैं कुलदीप और आर अश्विन। तो भाई होपफुली अभी इंडिया 90 रन आ गया, कम से कम 90 और जोड़ ले, कम से कम 200 तक तो यार पहुंच जाए ना लीड हमारी, तो बहुत सही रहेगा। नो डाउट इस टेस्ट मैच में कमबैक हमने बहुत अच्छा करा है, लेकिन फिर भी जीत के लिए मेरे को लगता है कि 180 या 200 रन तो चाहिए होंगे। बाकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास सरफराज एक बहुत अच्छा एसेट साबित हो रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो, और कोहली की फॉर्म भी आ गई है टेस्ट क्रिकेट में जिसकी हम दरकार कर रहे थे। और पंत के लिए बुरा लगा भैया, आप अपना पॉइंट भी शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।